ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का शालिनी कार्यक्रम में स्वागत करती है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने पिछले 40 सालों में कनाडा में इंडियन डांस को पहचान दी। भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर्स की नई पीढ़ी तैयार कर दी इन्होंने। दुनिया भर में मशहूर डांसर, कोरियोग्राफर और टीचर मेनका ठक्कर, जिन्होंने नींव रखी नृत्य कला द कैनेडियन एकेडमी ऑफ इंडियन डांस और मेनका ठक्कर डांस कंपनी की। हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। भारत की संस्कृति की खुशबू यहाँ कनाडा भर में फैली हुई है। आज भी भारत का परंपरागत नृत्य यानी कि इंडियन क्लासिकल डांस यहाँ कनाडा में बहुत खूबी से सिखाया जाता है। क्या है इंडियन क्लासिकल डांस, आइए जानते हैं। क्लासिकल मीन्स देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रिसाइज पोजीशंस आर देर एंड मेनली इन इंडियन डांस फॉर श्योर बिकॉज ऑफ द योगा एंड अदर थिंग इट्स अ पार्ट ऑफ योगा एक्चुअली एंड सो मच अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी इट इज क्रिएटेड दिस डांस फॉर्म एंड दैट वॉज डन इन द टेम्पल्स ऑफ इंडिया mainly for the prayers and other things, but you know that in India, yoga, that is the main point, the center point, and even the prayers when you do, you sit straight and other things, so the dance was very, very important, but along with the dance, the songs were, devotional songs were coming, and that's how they were dancing as a prayer, their dedication to their God. Bhartiya Nritya ki shuruaat chahe dharam se hui, par dheere dheere iska upyog alag-alag roop mein kiya gaya. दक्षिणी भारत से शुरू होकर 1930 में ये नृत्य पूरे भारत में मशहूर हो गया। उस वक्त चार तरह के नृत्य किए जाते थे, भरतनाट्यम, कथक, कथकली और मणिपुरी। आज के समय में 8 तरह के क्लासिकल नृत्य किए जाते हैं और इस नृत्य के काफी स्टेप्स बैले से मिलते जुलते हैं। बैले एंड इंडियन डांस आल्सो आर यू नो वेरी सिमिलर ऑफ कोर्स बिकॉज इंस्ट्रूमेंट इज सेम बॉडी we use our body and soul so that is there so then in that case how many different way I can take my arms back and how many ways you know there are certain limitations are there to that and those within that limitations we have to do and there are certain possibilities are there which we have to do that so aramandi our aramandi in bharatanatyam or chauka in odissi dance that is all in ballet they do and they call it play so but weight where you shift so that you can take your leg because in ballet the leg lifting up very much so then in that case your ball foot ball should have a weight and otherwise and in Indian dance we are very grounded and that's how weight should be on the heel move so those kind of thing changes and that makes a different dance form. मेनका ठक्कर के डांस स्कूल को कनाडा में बच्चों को इंडियन क्लासिकल डांस सिखाते हुए 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। भारतीय क्लासिकल डांस को कनाडा में हमेशा के लिए जिंदा रखने की वे पूरी कोशिश करती हैं। आज के बच्चे अभी भी थोड़ा अपना ही कल्चर और हिंदी लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज जान लेते हैं। इवेंचुअली दे मे नॉट नो दोस लैंग्वेजेस सो इन दैट उनके लिए सेम लैंग्वेज में बात करना जरूरी होगा शायद तो वो भी तो करती हूँ तो आई एनकरेज देम एंड दे ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड देयर चिल्ड्रन कम्स आई हैव स्टूडेंट विद 40 इयर्स विद मी एंड नाउ शी इज अ टीचर इन द स्कूल शी इज ऑन द बोर्ड हमारे बोर्ड के ऊपर भी है तो चेयरपर्सन है उसकी क्योंकि उसने डांस किया है तो डांस क्या है वो भी समझ सकती है और बोर्ड के ऊपर बैठकर इतना पढ़ाई किया है इतना बड़ा जॉब है उसका तो शी नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू इन द वर्ल्ड इंडियन क्लासिकल डांस की एक खूबी ये है कि इस नृत्य द्वारा कई कहानियाँ बयान की जाती हैं। इंडियन डांस में एक बहुत बड़ी बात है जो बैले में भी है कि स्टोरी बताते हैं हम लोग सब माइथोलॉजिकल स्टोरी तो बहुत ही करते हैं रामायण महाभारत वो सब भी तो करते हैं लेकिन सोशल स्टोरी भी करते हैं लेकिन उसके लिए अपने उसमें अपने डांस पे पूरा लैंग्वेज बनाया गया है और उसको मुद्रा बोलते हैं हम लोग मुद्रा माने ऑल हैंड जेस्चर जो रहते हैं तो ये 10 फिंगर्स जो है अपनी उससे पूरा और आँखों और में तो उसमें 9 भाव पहले है हम लोग जो ह्यूमन बींग सब लोग फील करते हैं तो श्रृंगार हास्य श्रृंगार मीन्स लव हास्य इज जॉय एंड लाफिंग एंड एवरीथिंग श्रृंगार हास्य करुणा दुख
श्रृंगार हास्य करुण रौद्र एंगर वीर वेलर वीर भयानक दिख जो डर लगता है वो भयानक है बिभत्स जो पसंद नहीं आता है वो बिभत्स अद्भुत वंडर एंड लास्ट वन इज शांत रस हम लोग पीसफुल जो मेडिटेशन है वो सब करते हैं वो तो उसको लेकर साथ साथ में जो भी स्टोरी का अनुभव करते हैं वो अनुभव दिखाना होता है एक्सप्रेशंस के द्वारा मेनका ठक्कर हमें एक कहानी सुनाती हैं जो अक्सर वो छोटे बच्चों को सिखाती हैं Once upon a time in the city of Tanjavur there lived a king who was very kind and everyone liked him he had a daughter very pretty top to bottom she was so beautiful with long curly hair and you know what her eyes were like a fish every time this was happening her face was like a beautiful moon in the sky इन दिलचस्प तरीकों से मेनका ठक्कर आज भी इंडियन क्लासिकल डांस को कनाडा में जिंदा रख रही हैं और ये उम्मीद करती हैं कि आगे जाकर उनके विद्यार्थी भी इस कला को जिंदा रखेंगे कनाडा के डांस वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने वाली मेनका ठक्कर ट्रेडिशनल इंडियन डांस की खूबसूरती के साथ साथ कई डांस कल्चर्स का फ्यूजन भी देखने को मिलता है सफलता यानी एक सोच कला मेहनत और वक्त का सही इस्तेमाल सही कॉम्बिनेशन अगर आपने टीवी अभी अभी ऑन किया है तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं हूं शालिनी आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम क्या बात है कि सूत्रधार आप मुझे टेलीविजन के अलावा टोरंटो के इलाके में रेडियो पर भी हफ्ते के पांचों दिन सुन सकते हैं शो के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट shawnmedia.com कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं और पेश करने जा रहे हैं सितारिस्ट नीरज प्रेम के साथ हमारी रिपोर्टर रत्ना परदल की एक मुलाकात उनके स्पेशल क्रिसमस इवेंट के बारे में